का हम तो उसने ऊपर से मानते हैं, अंदर से तो उन्हें मानते ही नहीं। फिर उसके बाद एंड वेरिली व्हेन वी हैव सेट डाउन टू द बुक, वेरिली वी हैव सेट डाउन टू द बुक। नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 5 पे हैं। एंड व्हेन दे एम्बार्क ऑन अ शिप दे इनवोक अल्लाह, ये वाला पॉइंट हम रीड कर चुके हैं, ठीक है। एंड वेरिली वी हैव सेंट डाउन टू बुक टू यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ट्रुथ, सो वर्शिप अल्लाह अलोन बाय डूइंग रिलीजियस डेड सिंसियरली ऑफ अल्लाह सेक ओनली, एंड नॉट टू शो ऑफ एंड नॉट टू सेट अप राइवल्स विद हिम इन वर्शिप इज फॉर अल्लाह ओनली। The worship and the obedience is for Allah only, and those who take awliya protectors and helpers besides Him, Yama, we worship them only that they may bring us near to Allah. Next point जो मैं आपको अब समझाने लगी हूँ, ये according to है, इसके बेशक ये अब बताने लगे हैं, हमने जो सच्चाई किताब किताब में भेजा है, यानी वो कि अल्लाह ताला यहाँ पे कुरान पाक में कह रहे हैं, बेशक हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चे हैं उन पर जो किताब उतारी है उसमें क्या लिखा है, सच्चे लिखा है, ठीक है। लिहाजा अल्लाह ताला के लिए अखलाकी तौर पर मजहबी अमाल के ज़रिए अल्लाह की इबादत करो, कि अल्लाह ताला ने किताब में भी बताया हुआ है कि किसकी इबादत करो, मेरी इबादत करो, ना कि दिखाने के लिए करो बल्कि दिल से करो, और इबादत और मेरी अताअत करो, ठीक है। मैल यानी जो बोगस रखते हैं वो ना रखें, आप अल्लाह ताला को दिल से अल्लाह ताला पर ईमान रखें, अल्लाह ताला पर जितना यकीन हो सकता है वो करें, अल्लाह ताला के आगे झुकें, ना शिर्क ठहराएं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं आपको करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ज़रा आ जाएं। अब पहले उन्होंने कहा था आपने 5 सेंग्स बतानी है ऑफ कुरान पाक, कुरान पाक में सिंसियरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आ जाती है 5 सेंग ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पीस बी अपॉन हिम रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी। अब आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक आपने बताना है सिंसियरिटी की क्या अहमियत है नबी पाक सल्लम के मुताबिक। वेयरली आल एक्शंस आर but driven by intention and for everyone is what he intended. Certainly, Allah does not look at your shapes, appearance or wealth, but he only looks at your veins and deeds. The person who devotes himself sincerely to God for a day's stream of wisdom will flow from him, his hue to his tongue. It is related by Abu Huraira, may Allah be blessed with him, respond the messenger of Allah, may peace be upon him, said Allah does not look at your appearance or your possessions, but he looks at your hues and your deeds. Last one jo hum aapko read karwane lage hain wo hai, so whoever emigrated for Allah and his apostle sake, his emigration was for Abba and his apostle, and however emigration for worldly benefits or to marry a woman, the emigration was for the thing for that what he emigrates for. ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सारा आंसर बताया है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या बताया हुआ है। वेरली बेशक ऑल एक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, ये तमाम अमाल हम करते हैं, ये जिनका इरादा करते हैं वो क्या है, अल्लाह के लिए है, और अल्लाह सब जानता है, अल्लाह ताला से कोई भी बात पोशीदा नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो है, सर्टेनली अल्लाह डज नॉट लुक एट योर शेप, यानी यकीनी तौर पर अल्लाह ताला आपकी शक्ल और आपकी मालियत को नज़र नहीं देख नहीं रखते, बल्कि अल्लाह ताला आपके दिलों, आपके अमाल और आपकी नीयत से बाखबर होते हैं, और वो इंसान को ना सिर्फ उसके कामों से, ना उसकी दौलत से जानते हैं, बल्कि वो इंसान को किससे जानते हैं, वो इंसान को उसकी नीयत से जानते हैं।
द पर्सन ही डिवोट्स हिमसेल्फ सिंसियरली टू गॉड्स, यानी वो शख्स जो अपने आप को खुदा के लिए सादिकाना तौर पर दीन के लिए वक्फ कर देता है, हिकमत के सिलसिले में अपनी जुबान से बहती जाती है, यानी जो शख्स अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होता है, अल्लाह ताला की इताअत करता है बातों की, अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करता है, वक्फ कर देता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसकी ज़ुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम कुदरती तौर पर आ जाता है, ना कि सिर्फ दिखावे के तौर पर। द पर्सन इट इज़ रिलेटेड बाई अबू हुरैरा, यानी ये अबू हुरैरा के मुतलिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अल्लाह ताला इससे खुश हो सकता है, अल्लाह ताला इससे खुश हो सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आपकी ज़ाहरी शक्ल या आपके माल पर नज़र डालता है, लेकिन वो आपके बदन और आपके अमाल को देखता है। नज़र अल्लाह ताला को सब कुछ आता है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी नीयत आपके अमाल को देखकर इंसान को अपनी नज़र में अच्छा मर्तबा देते हैं। सो हाउ एवर इमिग्रेटेड फॉर अल्लाह, लिहाजा जिसने अल्लाह के लिए और इसके रसूल के लिए इमदादे उनके लिए इमिग्रेशन यानी किया, जिन दुनिया में जिसने अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह ताला के लिए हुक्म के मुताबिक सदका खैरात किया, अल्लाह ताला के हुक्म को सबसे अहम समझा, उसके लिए ही आखरत में अच्छा नतीजा है। और जिस किसी ने दुनिया भर में फ़ायदा उठाया या किसी औरत से शादी की, तो फिर उसकी इस चीज़ के लिए था जिसमें वो हिजरत कर रहा है, यानी इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि हिज इमिग्रेशन वॉज फॉर ABA एंड हिज अपोस्टल। एमिग्रेशन का क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना हो बाद में कि एमिग्रेशन का मतलब नहीं मालूम हमें। एमिग्रेशन मतलब जिसने हिजरत की है, जिसने हिजरत की अल्लाह की राह में, एक जगह से दूसरी जगह गया, और क्या था, वो शादीशुदा था, ठीक है, तो अल्लाह ताला के सुपुर्द वो अपने बीवी अपने घर को छोड़ के गया, तो क्या उसने जहाद किया है किसी भी मकसद में, चाहे वो अपने दीन की को फैलाने के लिए वो चला गया। अल्लाह ताला कि हाँ, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में अच्छा मुकाम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करिएगा इंशाल्लाह, और अगर आपको किसी भी किस्म के आगे नेक्स्ट असाइनमेंट में कोई इशू हो, कोई चाहिए हो, तो हमें ज़रूर कमेंट करके गाइड करिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शबा खैर।